क्या टूट गई, कहाँ पे है ये? ये तो हैंडल मोड़ने के लिए, देख मोड़ेगा कैसे फिर? अभी तो नॉर्मल जो कलर होता है वही कलर है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संजीत सिंह एंड यू वॉचिंग माई चैनल संजीत एस किंग। तो अभी आपने देखा जब मैं बाइक निकाल रहा था, अगर नहीं भी मैंने दिखा है, अगर मैंने काट दिया ऐसी वीडियो लंबी होने की वजह से, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे आज हमारी एक ही बाइक खड़ी थी, यामा R15B4। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपनी जो काली वाली बाइक है यानी कि S150, वो एक्चुअली गई कहाँ? उसका जो हेड है ना, हेड जहाँ पे रॉकर आर्म फिट होता है, जो हेड है उसका, वो ख़राब हो गया है, क्योंकि जो रॉकर आर्म की बेयरिंग है वो लूज़ हो गई है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से हेड ख़राब हो गया है। रॉकर आर्म सही है तो उसका जो हेड है वो अब मिल नहीं रहा है, तो सेकंड हैंड भी ढूंढा जा रहा है कहीं से पुराना ना या कोई जुगाड़ हो सके, सब कुछ किया जा रहा है बट फिर भी नहीं मिल रहा है। फिजिकल टूल लेके फिर से पैसा बर्बाद। अब मैं सोच रहा हूँ उसका हेड वाला सिस्टम करके मैं उसे सेल आउट ही कर देता हूँ। तो गाइस आज जस्ट सुबह कुछ नहीं किया, जस्ट उठे और नहाए धोए और घर को, सॉरी महेश के पास निकल रहे हैं। आजकल ना लाइफ पूरा डीमोटिवेटिव वाली चल रही है, मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता मोटिवेट होने का। एक पहले जो होता था ना अंदर बचपना टाइप, यार ऐसे ऐसी फीलिंग्स, तो वो ना ख़त्म ही हो गया है। हंसने हंसने का भी मन नहीं करता है अब तो। तो यार इतना डीमोटिवेटिंग हो, आज नहीं काफ़ी टाइम से मैं डीमोटिवेट सा हूँ, डीमोटिवेट ही क्या बोलूँ, दिल्ली नहीं करता कुछ करने का, ना व्लॉग करने का मन कर रहा है ना कुछ। अभी भी ज़बरदस्ती, अभी मैं नहा के 9 बजे तैयार हो गया था बट निकलते निकलते मैंने 1.5-2 घंटा वैसे ही लगा दिया, 11 बज गए हैं तो मैंने ऐसे ही लगा दिया 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम, उठने का मन ही नहीं किया। फिर कई बार सोचा कि मैं GoPro निकाल के बैग में रख ही देता हूँ, फिर नहीं रखा। आज का व्लॉग तो भाई ऐसे ही होने वाला है शायद, क्या पता मैं आगे जाके वीडियो ना ही बनाऊं। फाइनली मैं पहुंच गया 40 सेक्टर। आई होप मेरा मूड मस्त वाला हो जाए, सही हो जाए आज के दिन में एंड तक ख़त्म होते होते, जो कि मुझे लगता नहीं होने वाला है। हाँ तो गैंग एंड गंगाधर दोनों खड़ी। ओ मेरे शेर, मेरे चीते, बढ़िया है मेरे भाई। ये कह रहे संजीत भैया आ रहे, संजीत भैया आ रहे, कहते स्टंट मार के दिखाई। और मेरे दोस्तों ये बर्नआउट मारेंगे। क्या बर्नआउट? हां कहते अपनी नई बाइक में। अरे फायर है, फायर। कैमरा लगाओ बेटा, कैमरा लगाओ, आ जाओ वीडियो में, आ जाओ वीडियो में। संजीत क्या प्रोग्राम है आज का? सबसे पहले चलते तेरे कार क्लब। कार क्लब चले? ये भी धो दो, लगा दो, क्या उधर धोएगा तो? दुलवा के नहीं लाया तू? कह रहा तो मैं दुलवा के लाऊंगा गाड़ी, बाइक अंदर रख दे और चाय बना ले। बना ले? क्यों? अबे तेरे कपड़े धो रही है, मैं गाड़ी धो रहा हूँ, तू चाय बना चल। ये क्या बात करते हैं यार? आंटी अंकल आए नहीं क्या? आंटी अंकल तो उधर गए हैं ना गांव। ओके गाइस, तो अभी हम महेश यहाँ पे कार धो रहा है, क्या देखो कितनी शिद्दत से धो रहा है। घर का नंबर आ गया, ये हाइड कर दूँ कहीं तेरे फैंस आ गए तो? मेरे फैंस नहीं आ गए, एक दिन आए थे दो बच्चे, कहते भैया मैं मम्मी को बोलते मैं ऑफिस में था, कहते और भाई उसमें स्क्रैच में मार दे यार, तो उसका दिल पे लगता है मेरे दोस्त कैसे होता। ये तो व्लॉग में आएगा जान के, ये पता कौन सा रैप गाता है? जब मैं स्कूल में था सात्विक का समोसा था, आटी की पेप्सी विद मसाला डोसा था, ऐसा कुछ गाता है। ये तो मैचिंग हो गई। भाई छोड़ के ले, तू सुन ऐसे कर, एक बच्चे को बिठा उधर, वो बच्चा बैठा हुआ है वो पहले चढ़ा हुआ है वो कर रहा है, तू बैठ देते तेरी फोटो खींच देते।
फोटो खींचना इसकी, खिंचा ले खिंचा ले खिंचा ले। साइकिल पे बैठो है? हाँ या 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 या। ओ यार कितने सालों बाद मैं साइकिल पे बैठने लग रहा हूँ। कौन सी? हाँ गियर में देखे वो एक साइड जाएगी ना, सच में एक साइड जाएगी फिर वो चलाएगा ना बेटा, जग की जाएगी तेरे तो पैर भी फिर भी पहुंच देंगे भाई। रुकेगा कैसे बे? ब्रेक नहीं है, ब्रेक टोपी मारेगा, ब्रेक ही लेते लगाते हैं वो मारे टोपी मारे। क्या टूट गई? कहाँ पे है ये? ये तो हैंडल मोड़ने के लिए थे, मोड़ेगा कैसे फिर? मैंने इसको अगर इसको यहाँ तक भर देंगे फिर हैंडल नहीं मुड़ेगा। देख के देख के देख के पलवेल आ गई, पलवेल आ गई। गिर जाता भी तुम्हें ऐसी तुम फ्री में ऐसे टूटा हुआ आएगा यहाँ से। हाँ तो फिर क्या हो गया? कोई नहीं, गरीब है हम। हाँ गरीब है हम। ये वाली चीजें रिकॉर्ड हो रही है ना ये? हाँ 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 हो रही है, हो रही है, मजा आ रहा है। तभी मजा तुझे बांटने लगा, लोगों को भी आएगा कि अपने जो और वीडियो बनाते हैं मुझे लगता है रिव्यू वगैरह की ना वो मजा नहीं आता, बोरिंग टाइप सी होती है। वो ऐसे फालतू की चीजें करनी चाहिए तो ज्यादा मजा आता है। या अब ये हो रही है जो पत्थरों में चाय बनती है ना वैसे ही बनाऊंगा। मथुरा में चाय बनती है और क्योंकि मैंने मथुरा में ना चाय का कोर्स करके आया हूँ मैं मथुरा में एक दिन का। ओके, नो एमबीए वाली चाय, ओनली मथुरा वाली चाय, मथुरा वृंदावन ऐसे कुछ भी लगा लो। तो मैं बहुत अच्छी चाय बनाऊंगा, तुम्हें ऐसी चाय पिलाऊंगा तुम कहोगे वाह। आज के बाद मत बनाना। नहीं हाँ। तुझे ना चाय का चस्का चढ़ जाएगा क्योंकि जब मैं मथुरा गया था ना मुझे मथुरा की चाय इतनी मस्त लगी ना, मैं सीखने लग गया कि कैसे बनाऊ वैसी चाय, और वो आज मैं कामयाब हो चुका हूँ। महेश ने ये ट्राइपॉड खरीदा है अपने के लिए। ये नहीं मेंशन करेगा कोठारी कार वाला के लिए। अच्छा चैनल के लिए तो किसी किसी तो ये हम ऐसे भी वीडियो बनाएंगे, हमें हमेशा संजीद स्किन की जरूरत पड़ती थी ऐसे इसको लगाने का और मौज करने का। और आ जाओ मेरे साथ। तो गाइस आज हम आपको सिखाएंगे मथुरा वाली टी कैसे बनती है। उसके लिए चाहिए हमें छाननी, मैंडेटरी चीज है तो उनको अब तो कहेगा पतीला भी चाहिए। पतीला बिना इसके कैसे चाय बनेगी? तो गाइस अभी हमने पतीले में देखिए ये पूरा पानी आप देख सकते हो, इसे दिख नहीं रहा लेकिन आपको ऐसे पता पड़ा कि पानी बहुत ज्यादा हमने गर्म कर लिया। मथुरा में बहुत ज्यादा पानी गर्म करते हैं। हाँ मथुरा में पानी पूरा मतलब चाय ऐसे में माइक नहीं है, माइक ले रहा, माइक है हमारे पास। मथुरा में बहुत ज्यादा पानी गर्म करते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा, मतलब पानी मतलब जो चाय होती है ना पूरा उसको 10 से 15 मिनट चाय देना चाहिए तभी चाय स्वाद बनती है। जो चाय पत्ती का कन कन का स्वाद है ना, कन 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 का मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। उसका जो अंदर का जब 5 मिनट की करते फिर भी चाय के अंदर रस रहता है जो चाय पत्ती है, तो फिर उसके रस रहता है जो चाय पत्ती का जो स्वाद होता अच्छा, है अच्छा, 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 तो चाय 5 मिनट में अगर हम बनाएंगे कि लाएंगे तो चाय पत्ती के अंदर फिर भी उसका अंदर का जो पावर्स है वो रहेगी। ओके ओके, या जो भी कह सकते हैं। आप इसको अदरक को काटने वाले? अदरक हम मैं बताता हूँ हम क्या क्या लेंगे अच्छी चाय बनाने के लिए। ठीक है, सौंफ, ये बंदे बहुत कम लेते हैं। माइक में बोले वहाँ तो आ गया, सॉरी। तो ये देखिए सौंफ है, अभी ये देखिए वाह वाह क्या खुशबू आ रही है। हाँ 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 इतनी भी नहीं आ रही वो जो छोटी सौंफ होती है उसमें ज्यादा आती है, वो मीठी होती है, लेकिन ये बड़ी वाली है इसमें सिर्फ स्वाद आएगा सौंफ का, मतलब एक तरीके से एसेंस कह सकते हो। और अदरक हमने ले ली है, जिंजर जिनको नहीं पता अंग्रेज बंदे होंगे हमारे पास, और साथ में हम लेंगे काली मिर्च। माइक में बोला करो, माइक इधर उधर करना पड़ रहा है। तो साथ में हम लेंगे काली मिर्च जिसमें जो अंग्रेज बंदे ब्लैक पेपर कहते हैं उसको, और जो एक लेंगे हम। आज हम जो चाय बनाएंगे बहुत मस्त बनने वाली है, तो अभी हम बातें ही बना रहे हैं चाय पत्ती क्या बनेगी। तो हमने पहले लेनी है ओखली, जो कहते हैं ओखली में सिर डालना, मतलब अगर सिर डाल दोगे तो ऐसे बच जाए। चाय की नहीं है इसमें अभी कुछ नहीं है, अभी हम सिर्फ अदरक कूटेंगे। अदरक हमने ले लिया इतना तीन चाय के लिए। तो अदरक कूटने के वीडियो भी तो बनाना चाहिए मोबाइल पे, ये लो ऐड करो सारा। कुछ शॉट हम इससे ले लेंगे ना यार, ऐसे लाइटिंग अच्छी आ रही है। ओके मैं मेरा अदरक है भैया, इसको तो खोलो यार, आपको हमारे आप पक्के फ्रेंड हो, आपको इसका पासवर्ड नहीं पता होगा। ओखल उखल के पोला हो गया। तो मैं अदरक काटने के मतलब करने के लिए बताओ सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, अदरक ऐसे ऐसे पहले छोटे छोटे भागों में काट लेता हूँ ताकि
इसको जो हम वो करेंगे, या अदरक आप एमएम में काटते हैं सेंटीमीटर में काटते हैं, एमएम में कट रही है भाई साहब, 2 MM में कट रही है, ठीक है। और नहीं तो अगर 1 किलोमीटर की हमारे पास अदरक आती है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, 1 किलोमीटर की अदरक बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसलिए हमें ना थोड़ा सा काटना पड़ता है ताकि हम इतनी बड़ी 5 किलो की ओखली में डाल सके। तो ये देखिए, ये हमने अदरक कर दिया, अदरक हम कूट देंगे। तो इसी के साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं, जो सौंफ है वो भी आप जो इतनी बार सौंफ ले लीजिए, ये भी कूट दीजिए, या सौंफ डाल रहे हैं, सौंफ भी डाल दिया हमने, ठीक है। तो साइड में दिखा देंगे जो 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 है, ये ब्लर आ रहा है लेकिन धुंधला जाएगा ये। हम अब हम देखो इसमें काली मिर्च है हमारे पास, तो हम अखरोट भी डालेंगे इसमें, नहीं अखरोट नहीं डालेंगे, काली मिर्च भी सारी डालेगा ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें मैं लौंग ढूंढ रहा हूँ, काली मिर्च हम नहीं डालेंगे, अगर आप चाहते हो तो डाल देंगे। एक काली मिर्च, ये देखिए ये काली मिर्च है, 2 काली मिर्च, 2 लौंग है ये भाई, सॉरी लौंग 3 हो गई, 2 और हम 2 काली मिर्च डाल देते हैं आपके लिए, 4 हो गई, ये काली मिर्च है, हाँ, लौंग फिर भी 4 है, लौंग हमने डाल दिए 4, तो 5 लौंग है, चलो आपको जितना इच्छा है ये भी हमने इसमें डाल दिया, 5 लौंग और 2 काली मिर्च। हाँ, ये एक तरीके का काढ़ा है, ये आपको मतलब सेहत के लिए आपके लिए बहुत कहते हैं बेहतरीन तोहफा है सेहत के लिए। हाँ, तो अभी हम अब इसको कूट देते अच्छी तरीके से, तो जो हमारा पानी है वो आप देख सकते हो, हमने 2 कप डाला था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं बेचारा 1.5 से या 1 कप हो गया है, तो हमें जो चाय है वो भी ऐसे ही करेंगे, चाय उबल पानी उबल उबल के पागल हो गया, और इतना कम हो गया, 1 कप रह गया भाई, अभी 2-4 बंदों को पीना है, बिल्कुल बिल्कुल पीने हम लोग। मैं हमेशा जब भी चाय बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ 4-5 बंदों के लिए, लेकिन हमेशा मिलती है 3 बंदों को, क्योंकि वो मैं इतनी उकाल देता हूँ कि वो वाष्पीकरण के द्वारा, जो वाष्पीकरण प्रक्रिया है उसके द्वारा निकल जाती है। सब ये आप प्लास्टिक पाउडर में कर देना ताकि आवाज जल्दी जल्दी कड़ावट वीडियो छोटी रहे। तो अब हमने ये डाल दिया, देखो हमने इसमें मसाला डाल दिया, ये हमारा है जो मथुरा का मसाला है, ठीक है, मथुरा से प्रॉपर हम सीख के हैं, 1 दिन का कोर्स करा हमने। तो अब हम क्या करते हैं अभी हम लेंगे चाय पत्ती, शायद इसमें चाय पत्ती है, मुझे लगा चीनी होगी, तो चाय पत्ती हम एक डालेंगे। आप कड़क, चम्मच आप कड़क पीना चाहते हो आप? हाँ, थोड़ा सा कड़क होना चाहिए, मैं हमेशा कड़क ही पीता हूँ, क्योंकि जब तक चाय पत्ती आप कौन सा ब्रांड यूज करते हो? ये हम बहुत महंगा ब्रांड यूज करते हैं, उसका नाम मुझे पता नहीं है, वेरी गुड, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये हमारी कहीं ना कहीं 50 रुपए किलो जो है मिलती है चाय पत्ती, 50 रुपए किलो बहुत महंगी है, अगर आप खरीदना चाहते तो आपको FD तोड़वानी पड़ेगी, ठीक है। ये एक चम्मच चीनी, ये गन्ने का रस है, गन्ने के रस से मिलती है, 2 चम्मच डाल दिए और हम 3 डाल रहे हैं, हम 3 चम्मच ही क्यों डाल रहे हैं, हम 4 क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि हम 3 हैं, तो इसलिए हम एक एक कप के हिसाब से मैं 1-1 चम्मच डालता हूँ, क्योंकि जब ज्यादा मीठी हो जाती तब ज्यादा पीने का भी दिल नहीं करता और ज्यादा फीकी भी दिल नहीं करता, तो इसलिए हम मैनेज रखते हैं। तो अब ये उत्तराखंड से लाई हुई हल्दी है, बहुत कहते जो वहाँ की जड़ी बूटी और स्वाद पता नहीं मुझे, और हल्दी का टेस्ट सुनिए नॉर्मल हल्दी से आपको ज्यादा इसकी वो लगेगी फ्रेग्रेंस। तो अभी हम इसको हम अकेला छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट ये उकलेगी, गुड़ 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 होगी, फिर हम जो चाय पियेंगे। अभी ये कलर देख सकते हो, इसका भी कैसा कलर है, अभी तो नॉर्मल जो कलर होता है वही कलर है, हम और यही चाय, अब यही चाय देखना 5 मिनट बाद इसका जो कलर है वो अलग से ब्राउन सा हो जाएगा, मस्त लगेगा। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा 5 मिनट, 5 से 10 मिनट। तो गाइस अब यहाँ पे चाय बन चुकी है, क्या ब्राइटनेस मस्त आ रही है, तो चाय बन चुकी है और कुछ चाय वाला जैसा इसने इस पतीले का हाल कर दिया है, पहले से कलर देखिए, अब तो चाय सारी जलावन मुझे लग नहीं रहा है, 2 भी पूरा होगा, हो जाएगा 2 पूरा हो जाएगा, मैं कम ले लूंगा मेरे जाने के बाद, मेरे सामने तो भाभी कुछ नहीं बोलेगी, बाद में बोलेगी तो चाय दिया तूने, नहीं मैं कम लूंगा भाई, भाभी को नहीं पूरा, हां डर लगता है, पत्नी से अर्पण करते तभी तो मोदी ने शादी नहीं कराई, कराई तो छोड़ कर डरता था ना मोदी, पत्नी क्यों डरता, मैं ही एक इंसान हूँ जो कभी नहीं डरूंगा, डरते नहीं यार, रिस्पेक्ट भी नहीं, यार बताओ मैं वो बंदा हूँ क्यों खज्जल खुआरी करने वाला, चाय चाय फालतू करने,
चल इसमें से भी कर थोड़ा। नहीं यार कर यार बराबर कर। बराबर नहीं करते। अरे करना यार महेश तो कैमरे के पीछे ले जाकर नहीं नहीं वो गिर जाएगी ना। गिर जाएगी। देखो क्या बस बहुत है। बहुत है ना। चलो फिर इसको रखते हैं मंदिर। यो ब्रो तूने एक नई आईडी बनाई है क्या इंस्टाग्राम पे? कौन सी? मुझे तो अभी हम चाय पी के देखेंगे कैसे लग रही है। अरे बैंक आता है तो भी वीडियो में इधर आ रहा है बहुत ठीक ठाक बनी है बहुत ठीक ठाक बनी अच्छी नहीं लगी सच्ची बता मतलब वीडियो का कोई चक्कर नहीं नहीं वैसे तो कुछ ज्यादा ही कुछ नहीं डाल दिया रंग चार पाँच गुड़ पी के मीठी लगती है तो साइडों से जो भी आवाजें आए फीमेल की या किसी उसको इग्नोर करे क्यों नहीं नहीं आप भी देख अगर आप मैरिड हो तो आप भी देख सकते हो कि भाई पति पत्नी के बीच ऐसे थोड़ी सी चलती रहती है खटपट अनबन खटपट चटपट ये हेल्थी खटपट है। तो गाइस बस आज का दिन यहीं पर। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है। और आज हमने बस यही किया गए अनिल ने छोटी सी पार्टी दी हमने खाया पिया और अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं।